इस वक्त की बड़ी खबर ब्रिटेन से है, जहां पर ब्रिटेन में गहराते सियासी संकट के बीच लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि खराब आर्थिक नीति को लेकर वो अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में कड़े विरोध का सामना हाल फिलहाल में कर रही थी और आखिरकार अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं इस्तीफा सौंपने के बाद लिज ट्रस ने कहा है कि वो यूके की प्रधानमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे रही हैं। आपको बता दें कि उनके आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार उनका विरोध उनके ही पार्टी के सांसद कर रहे थे और उनके जो फैसले थे उसके विरोध में पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रही थी, जिसके बाद लिज ट्रस ने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिज ट्रस का उत्तराधिकारी अभी नहीं चुना गया है और अब देखना होगा कि उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है। फिलहाल अंतरिम रूप में अभी वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी, लेकिन चर्चाएं यही हैं कि भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक अब ब्रिटेन की सत्ता संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक को लेकर पहले भी चर्चा थी, जब बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दिया था तो उसके बाद कड़ी टक्कर हुई थी ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच चुनावों में। हालांकि लिज ट्रस ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी और ऋषि सुनक को वहां पर हार मिली थी, लेकिन पिछले 40 से 45 दिन की सरकार में लिज ट्रस का खूब विरोध हुआ। लगातार उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उनके फैसलों पर सवाल उठाए और आखिरकार अब लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा है, जिसके बाद से चर्चाएं यही हैं कि भगवा भक्त और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं और वो बोरिस जॉनसन सरकार में भी अहम भूमिका में थे और उन्होंने आर्थिक नीतियों पर ब्रिटेन को बहुत आगे तक ले जाने का प्लान बनाया था और ऐसे में जब चुनाव हुए थे तो लग रहा था कि वो जरूर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ऋषि सुनक को तब जीत नहीं मिली थी और लिज ट्रस तब विजेता हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक सत्ता संभाल सकते हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, भारत से भी जुड़ी ये खबर है, क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं और उनका जिस तरीके से सांसद के तौर पर कार्यकाल ब्रिटेन की सत्ता में रहा है वो काफी काबिले तारीफ रहा है। ऐसे में वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो ब्रिटेन को आर्थिक नीतियों और आर्थिक संकट से आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां बेहद ही शानदार हैं और भारत के लिए भी ऋषि सुनक एक बेहतर संबंध लेकर आएंगे। तो ऐसे में ऋषि सुनक का सत्ता में आना फिलहाल तय लग रहा है। अब देखना होगा कि ऋषि सुनक किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सांसदों का उनके पास समर्थन बहुत ज्यादा है अपनी पार्टी का। तो फिलहाल उम्मीदें यही है कि ऋषि सुनक अब ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका लगातार विरोध उनकी पार्टी के नेता और सांसद ही कर रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही थी और हाल फिलहाल में जिस तरीके से लिज ट्रस के आने के बाद ब्रिटेन के कई शहरों में हिंसा भी भड़की, हिंदुओं के भावनाओं को भी आहत किया गया और दो गुटों में जिस तरीके से झड़प हुई वो भी काफी असर डाल रही थी और ब्रिटेन सरकार की बदनामी उसकी वजह से पूरी दुनिया में हो रही थी। तो फिलहाल अब इन्हीं वजहों से लिज ट्रस को इस्तीफा सौंपना पड़ा है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you.